हेलो नमस्कार बेटा, मैं आरसी पब्लिक इंटर कॉलेज हिम्मतनगर और आरसी पब्लिक वैदिक इंटर कॉलेज बडूली फाटक दोनों के 10th क्लास के बच्चों का स्वागत करता हूं। और सबसे पहले आपको बधाई देता हूं कि आपने सरकार के इस COVID-19 महामारी में अपने पूरे धैर्य और संयम से जो सहयोग दिया है, मास्क लगाकर, हाथ धोकर और अपनी दूरी बनाते हुए, तो इसी श्रृंखला में मैं बधाई का पात्र समझता हूँ उस उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के लिए, जिन्होंने घर बैठे बच्चे जो निराश हो चुके थे पढ़ाई के लिए ऑनलाइन शिक्षा से हमारे हिंदी माध्यम को जोड़ने का प्रयास किया है। दूसरे बधाई मैं देता हूँ अपने कॉलेज के प्रशासन को, प्रधानाचार्य जी के लिए, जिन्होंने मुझे इस ऑनलाइन सेवा से जुड़ने का मौका दिया। तो आज हम शुरुआत करते हैं हिंदी की 10th क्लास। इसमें पहले आपको इंग्लिश वगैरह की भी क्लासें जा चुकी हैं। मैं अपने कैमरामैन साथी से कहूँगा कि हमारे इस चैनल को दिखाएं, आरसी ग्रुप ऑफ एजुकेशन, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे यूट्यूब पे जाके तो आपको सारा सब कुछ देखने को मिल जाएगा। 10th क्लास हिंदी में आज हम लेते हैं इस कंबाइंड किताब में से गद्य को। गद्य का मतलब होता है, जैसे कि आप जानते हैं कि लेसन होता है, पाठ होता है, पढ़ने वाला होता है, कविताएं नहीं होती उसमें, उस लेसन को पढ़ा जाता है। क्वेश्चन इसमें दो प्रकार के आते हैं, इसी लेसन में से, पाठ में से आपको पैराग्राफ दिया जाएगा, नीचे क्वेश्चन दिए जाएंगे, उन क्वेश्चन को आपने पढ़ना है और पढ़ने के बाद उसी पैराग्राफ में से, आपको पढ़ने के बाद उस क्वेश्चन को उसी पैराग्राफ में से छांटकर कुछ अपने शब्दों से मिलाकर उनसे आंसर पुटअप करने हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है जीवनी का, इस जीवनी के बारे में भी आपको लिखना है, जैसे 9th क्लास में आपने लिखा था संक्षेप में जीवनी लिखनी है, 1 या 1.5 पेज की, मुश्किल से 200 शब्द या 150 शब्द की। तो आज हमारा जो पहला लेसन है, इसे आप यहाँ से पूरा का पूरा समझ लेंगे। और पहले ही मैं आपसे कह दूं कि आप अपनी फेयर कॉपी बना लीजिए, ईमेल पर आईडी बना लीजिए, उसमें आप इसका सारा आंसर लिखिए, कॉपी पर भी लिखिए और ईमेल आईडी पर भी लिखिए, हमसे चेक कराते रहिए। जो हमने सबसे पहले सूचना जारी की थी उसमें हमारे फ़ोन नंबर दिए जा चुके हैं, हमारे अपने पर्सनल नंबर हैं, विद्यालय के नंबर हैं, आप कभी भी किसी भी परेशानी से जूझें आप तुरंत हमें पढ़ाई से संबंधित कॉल करें, हम तुरंत आपका रिस्पॉन्स देंगे। तो आज का हमारा लेसन पहला है मित्रता, जिसे लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने मित्रता नाम के लेसन में कुछ हिदायतें दी हैं और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के लिए मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने इस लेसन को हाई स्कूल के बच्चों से जोड़ा। आपको ये पता होना चाहिए कि हाई स्कूल की डिग्री हर जगह हर इंटरव्यू में काम आती है, तो इसलिए मित्रता एक ऐसा शब्द है जो हमें खो भी देता है और आगे तक पहुंचा भी देता है, इसलिए इस पहले लेसन को मित्रता के रूप में रखा गया है। आइए इसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं अपने साथी से कहूंगा कि वो इस लेसन के जो हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ये उनकी जीवनी है, इस पूरी जीवनी को आप ध्यान से पढ़िए, एक पेज में इधर है और दूसरा पेज आपका इधर है। अपने साथी से कहूंगा कि वो इसे भी पूरा दिखाएं, ये 2 पेज की जीवनी है जिसे आपको छांट छांट कर लिखना है। और ये हमारा लेसन है यहाँ से मित्रता, जिसका नाम है, साथी से कहूँगा कि उसका शूट करें फोटो। और इसके ठीक पीछे थोड़ा सा हिस्सा ये है, ये लेसन इसलिए आपको यहाँ से शूट करके भेजा जा रहा है कि आप इस लेसन को बड़े ही ध्यान से बारीकी से पढ़ेंगे। इसी लेसन को हमने इसमें बताने की कोशिश की है, हमने सारांश, कथानक, कथावस्तु या अपने शब्दों में, ये 4-5 शब्द आपको देखने को मिलेंगे पेपर में, आप घबराएं नहीं। कथानक, सारांश, कथावस्तु, अपने शब्दों में, ये सब मतलब होता है कि हम इस लेसन के बारे में क्या क्या जानते हैं और उससे हम पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहला जो अपने शब्दों में सारांश लिखने का है कि मित्र का अर्थ, मित्र नाम का शब्द ये शुरू में ही हमारे दिमाग में आ जाता है, जैसे हम होश संभालते हैं, अपने गली मोहल्ले में, आसपास, घर परिवार में, कहीं पर भी जाते हैं, हम तुरंत मित्र बनाते हैं। जो बच्चे बोर्डिंग में जाते हैं, छात्रावास में जाते हैं, ये इसी लेसन में दिया गया है कि छात्रावास में जाने के तुरंत बाद बच्चे हाय हेलो देखकर, अच्छी बातें देखकर, अच्छे कपड़े देखकर एक दूसरे को मित्र बना देते हैं और एक दूसरे को मित्र बनाने की होड़ कंपटीशन हो जाती है, किसके सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स होते हैं, कितने ज़्यादा फ्रेंड हैं। तो मित्र का अर्थ क्या है, आइए इसको सबसे पहले हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो इस मित्रता नाम के लेसन में बताने की कोशिश की है, उन्होंने बताया है कि मित्र का अर्थ अगर हम 2 शब्दों में लें तो बिल्कुल हमारी समझ में आ जाएगा। हमें अधिकतर 90% मित्र मिलते हैं गलत संगत वाले, जिनके लुभावने विचार, रसीली चटकीली बातें,
और उनकी विचारों से हम अपने विचारों को बहुत जल्दी शामिल कर लेते हैं। ऐसे गलत संगत वाले मित्र हमें 90% मिल जाएंगे, लेकिन 10% मित्र और इनसे भी कम मित्र मिलते हैं अच्छी संगत वाले। इन दोनों में फर्क क्या है? ये वे लोग हैं जो केवल हमसे अपना मतलब सिद्ध करवाते हैं और अपना उद्देश्य पूरा होते ही हमसे कन्नी काट जाते हैं, और ये वे मित्र होते हैं जो अच्छे दिनों में भी हमारा साथ देते हैं और गलत दिनों में भी हमारा साथ देते हैं, और अगर कोई मुसीबत आती है तो हमें उसके बारे में हमारा मार्गदर्शन करने हैं। तो इन दोनों में हमें जब तक कंपेरिजन नहीं होगा हम मित्र का अर्थ अच्छी प्रकार नहीं समझ पाएंगे। ऐसा ही मित्रता नाम के इस लेसन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहने का प्रयास किया है। दूसरा है मित्र और मित्रता। मित्र अलग है, मित्र एक व्यक्ति हो सकता है, युवती भी हो सकती है, युवक भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, किसी भी जाति का हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन उसके अंदर का ये जो गलत होने का या अच्छे होने का जो गुण है यही उसकी मित्रता है। अगर आपको एक विश्वास पात्र मित्र मिल जाए, एक विश्वासी मित्र मिल जाए, और ऐसा मित्र मिल जाए जिससे आपको ये पता चले कि हाँ वास्तव में ये हमें आगे की ओर ले जाएगा, तो ऐसा मित्र क्या करेगा? आपको हमेशा उन्नति के मार्ग पर ले जाने की कोशिश करेगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने मित्रता नाम के इस लेसन में यही बताने की कोशिश की है कि मित्र अगर हमें खुश किस्मत वाले हैं, अगर अच्छा मिल गया, तो हमारे गर्दिश के दिनों में, हमारे दुख के समय में, जब हम पर बहुत सारी मुसीबतें आएंगी, तो हमसे भागेगा नहीं और ना ही अपना उद्देश्य पूरा करके हमसे कन्नी काट लेगा। वो हमारे साथ रहेगा, हमें पल पल बताएगा कि भाई ऐसा मत करो, ऐसा करोगे तो तुमको ये हानि होगी, क्योंकि ये उसके अपने अनुभव होते हैं, ये अनुभव उसने अपने कठोर परिश्रम करने के बाद प्राप्त करे होते हैं। और वो अपने अच्छे इस अच्छे संगत वाले मित्र का सबसे बड़ा कर्तव्य ये है कि वो कभी भी अपने आप को अपने दोस्तों को गिरने नहीं देता है। दूसरा है मित्र का व्यवहार एवं विचार। मित्र का व्यवहार अगर आपके साथ अच्छा है, अगर वो गलत संगत वाला है तो भी उसका व्यवहार होगा, अच्छी संगत वाला है तो भी उसका व्यवहार होगा, लेकिन आपने जो एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना है वो केवल अच्छी संगत का। अब इसमें फर्क कैसे समझेंगे? फर्क ये है कि ये लोग कुछ पल के लिए आपको खुश करने का प्रयास करते हैं, और ये खुश करने का प्रयास नहीं करते हैं, ये आपको मुश्किलों में और कांटों से भरे रास्ते से निकालने का प्रयास करके एक लंबे सफर से आपको एक उस उद्देश्य की ओर ले जाते हैं कि आपका उद्देश्य क्या है। इनका कोई उद्देश्य नहीं होता है, जबकि इनका उद्देश्य होता है, जैसे आप हाई स्कूल में हैं तो आपका उद्देश्य क्या है? हाई स्कूल पास करना। तो ऐसा मित्र जो आपको हमेशा ये कहे कि भाई चलो स्कूल चलें, वहाँ से होमवर्क पूरा करें, आप अपने माता पिता का कहना मानिए, आप सबके साथ मिलकर रहिए, यही आपका अच्छी संगत वाले मित्रों का व्यवहार है, और उन्हीं के विचारों को हमें अपनाना चाहिए। अगला है मित्र का कर्तव्य। ये बहुत बड़ी चीज़ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मित्रता नाम के इस पहले लेसन में कहने का प्रयास किया है कि मित्र का कर्तव्य ये है कि उसे पल पल और क्या करे, सहारा दे। जैसे कि एक बड़ा पेड़ छोटी बेल को सहारा देता है, आगे बढ़ाता है, ऊंचाइयों तक, अपनी ऊंचाइयों तक ले जाता है, ऐसे ही मित्र गिरे हुए दोस्त को अपने उठाकर, सहारा देकर उसे आगे की ओर बढ़ाकर अपने कर्तव्य से आगे की ओर ले जाए। मित्र और विद्यार्थी जीवन, ये भी हेडिंग है जिनके माध्यम से आप इस मित्रता नाम के लेसन का पाठ आराम से याद कर सकते हैं और दिए गए पैराग्राफ में से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो लास्ट में आता है वो है मित्र और विद्यार्थी जीवन। ऐसी क्या जरूरत पड़ी थी? है जरूरत, क्योंकि हम अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हम चाहें पढ़ें, कैसे पढ़ेंगे? बगैर किताबों के नहीं पढ़ेंगे, बगैर गुरु के नहीं पढ़ेंगे। खाना, भोजन, जीवन की सभी आवश्यकताएँ कहीं ना कहीं हमें इस मित्रवत जीवन से